ऊना में 72वें गणतंत्र दिवस को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बिक्रम ठाकुर ने सबसे पहले शहीदी स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी ली। मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में जिला पुलिस पुरुष होमगार्ड एनसीसी कैडेट्स व बैंड दस्ते ने कदम ताल की। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा चलाए गए विकासात्मक कार्यों को दर्शाती झांकियां भी प्रदर्शित की गई। वहीं समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर खूब तालियां बटोरी। कैबिनेट बिक्रम ठाकुर ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और देश पर जान कुर्बान करने वाले वीर सपूतों को नमन किया। वहीं बिक्रम ठाकुर ने जयराम सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी जनता के समक्ष बखान किया। गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सब देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 को इसी ऐतिहासिक दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों को भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता दिलवाने में अनेक कुर्बानियां दी। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सब शहीद जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिक तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। सरकार ने परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं की वार्षिकी को 3 लाख रुपए, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं की वार्षिकी को 2 लाख रुपए, वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं की वार्षिकी को 1 लाख रुपए किया है। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की बेटियों को शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता 15,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। प्रदेश सरकार द्वारा अब युद्ध अथवा अन्य सैनिक ऑपरेशंस में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 20 लाख रुपए और अपंग हुए सैनिक को 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जा रही है।